Hey friends, welcome back to my food diary. Welcome to one more Priya's video. आज video है क्योंकि आज मैं कर रही हूँ आपका Q&A वाला video for the first time in this channel. तो मैंने सोचा आज Q&A है तो कुछ खाना वाना नहीं बनाऊंगी but Q&A video start करने से पहले मैं कुछ खाना order कर लेती हूँ ताकि आप लोगों से जब आपका सारे questions मैं ना इतना देर इसलिए की क्योंकि मैं सोच रही थी और भी questions आ जाए but अब मैं सोच रही हूँ कि नहीं मैं कर ही देती हूँ कुछ questions आएंगे तो मैं बाद में फिर दूसरा जब Q&A करूंगी तब मैं answer कर दूंगी तो इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट लाई ये वीडियो बट हम Q&A ऐसे थोड़ी सुखा मुंह करेंगे तो कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लेते हैं और खाते खाते हम जो है पूरा बतियाएंगे तो प्लीज इग्नोर जो मेरे कपड़े टंगे हुए हैं और मम्मा ने बोला कि क्या वीडियो है फिर आज तुम कुछ खाना नहीं बना रही मैं आज मैं बना रही हूँ Q&A मम्मी सोची कोई डिश है मैं बोली नहीं माँ इस क्वेश्चन आंसर रहा मैं बोले अच्छा तो इसमें क्या करते हैं मैं बोली वीडियो बनाते जो क्वेश्चन आपके पास आए उसको आंसर करते तो मैंने बोला कि आज मेरे लिए खाना मत बनाओ हम मैंने कि मेरे लिए भी ऑर्डर कर लेना मैं बोली हाँ ठीक है मैं कुछ ऐसे क्या ऑर्डर ग्रूवी मील कुछ ऑर्डर कर रही हूँ तो सोची कि जैसे ही खाना आ जाते हैं उसके बाद हम बैठते हैं आपके सारे क्वेश्चंस लेके सो स्टे ट्यून पूरा आखिरी तक जरूर देखना यार ये तो आखिरी तक जरूर देखो और हाँ जिन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं किया अपने चैनल प्लीज कर दो क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखते हो कि सब्सक्राइब ही नहीं करते हो बट आज जितने सारे क्वेश्चन आए आई विल ट्राई कि मैं सारा का सारा दे दूं आंसर एंड हाँ तो मिलते हैं थोड़े देर के बाद जैसे मेरा खाना आ जाता है खाते खाते बात करेंगे आज So let's just sit for this lunch and for my first Q&A in my channel. आपसे ज़्यादा मैं excited हूँ आपको जवाब देने के लिए. And मैंने सोचा कि मैंने बहुत सारा Q&A देखा भी कैसे होता कैसे है. But last मैंने ये decide किया कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी रखूँगी. I'll keep it very very raw. और questions मैंने देख लिए हैं कुछ 25 questions आए हैं तो सोचा. और फूड के साथ इसलिए रखा बिकॉज मैं बड़ी और जाऊंगी ऐसे सिर्फ बात करने के लिए तो मैं सोची डिलीशियसली डिलीशियस बातें करेंगे तो मैंने सोचा विथ माय लंच ओनली आई बी मोर कंफर्टेबल आंसरिंग माय क्वेश्चंस एंड इसीलिए आई हैव ऑर्डर खाना बाहर क्योंकि पहला Q&A है अच्छा खाएंगे ऐसा नहीं है खाते हम अच्छा सो आई हैव ऑर्डर सम ग्रूवी मील बॉक्स मगर इतना गर्मी है और मेरे हॉल में जो है एसी नहीं है तो फैन का थोड़ा बहुत आवाज आपको आएगा सो आई हैव ऑर्डर सम चाइनीज फूड तो उसके साथ जो है मोमो भी आया है विच आई एम नॉट गोना ईट टुडे ओके सो दिस इज फ्राइड राइस ये आया है दो चार चीजें आया है उसके साथ सॉस है कुछ नहीं एक ओके इसे ड्राई चिली चिकन मम्मा को चिली चिकन खाना था मुझे मंचूरियन खाना था और उसके बाद मैं बहुत ढूंढी तो मुझे एक साथ कॉम्बो में एक मिल गया सो आई थॉट गुड सो सबसे पहले थोड़ा सा मैं निकाल लूं और थोड़ा खा लूं उसके बाद बात करनी है सो दिस इज मंचूरियन ऑल इन वन प्लेट ओके उन्होंने कटलरी में सिर्फ ये दिया है टू केचप साइड में को भी नीचे डाल के रखती हूँ माँ अच्छा ये दो लोग आराम से खा सकते हैं ऐसा खाना है आई टेक आई गेस ये एग और चिकन फ्राइड राइस है और बेहतरीन सा गरम है और उसके साथ मैं लूंगी मंचूरियन आई जस्ट लव मंचूरियन और पता है ये एक ऐसा चीज है लौटा चीज है जो मुझे वेज में ज्यादा पसंद है और मैं चिकन मंचूरियन बहुत ही कम प्रेफर करती हूँ ओवर वेज मंचूरियन हम मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्या ही आपसे बात करूं मैं तो खाती ही रह जाती हूँ गर्मा गर्म फ्राइड राइस विद मंचूरियन मेरे नस में टिश्यू था ना और ना लेट्स जस्ट गो टू द क्वेश्चन ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन आई गॉट यूजर डैश UE1IX आपका नाम क्या है ये भी डाल देते तो अच्छा होता बट जो भी है यू आस्क मी व्हाट डिड योर फादर डू बिफोर ओके तुम्हें बाबा जो है गवर्नमेंट में काम करते थे और भुवनेश्वर में हम लोग रहते थे आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन भुवनेश्वर आप जिनको पता नहीं है बहुत बार मुझे क्वेश्चन करते हैं क्योंकि मैं बंगाली हूँ कोलकाता में रहती हूँ फिर भुवनेश्वर का भी पोस्ट देखते थे पहले तो एक्चुअली मेरे बाबा जो है वो AG ऑफिस में काम करते थे और हम लोग भुवनेश्वर में ही पले बड़े हैं सो यस तो अभी बाबा रिटायर्ड है जो मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं दे वुड नो
कि वो रिटायर हो चुके हैं. ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम गीता आई गेस. रसगुल्ला इज फ्रॉम ओडिशा राइट. ओ गॉड व्हाई दिस, व्हाई बंगाल पीपल आर फाइटिंग फॉर दिस. आई डोंट नो व्हाई दे आर फाइटिंग फॉर दिस. मैंने वहां का भी खाया, यहाँ का भी खाया, मुझे दोनों जगह का पसंद है. आई एम बॉर्न ब्रॉट अप इन भुवनेश्वर, तो मैं इस लड़ाई में बिल्कुल नहीं हूँ. मुझे दोनों जगह का अच्छा लगता है और मेरे जो फोर फादर्स हैं वो सब यहाँ के हैं, कोलकाता के हैं. सो मैं दोनों जगह के ऊपर कुछ नहीं बोल सकती. मुझे दोनों जगह का रसगुल्ला अच्छा लगता है. व्हाई दे आर फाइटिंग आई डोंट नो. खाना अच्छा है तो उतना ही मेरा मतलब है खाने से. स्नेहा मन्ना राइट, स्नेहा मन्ना 18, उन्होंने पूछा आई यू इन रिलेशनशिप और नॉट. आई एम नॉट. ओके मूविंग ऑन. अलका सामल, और एक बाइट ले लेती यार, भूख लगा है. बहुत अच्छा बनाया. ट्राई फॉर मंचूरियन, बहुत सॉफ्ट चला रहा है. बस मैं खाने ही रह जाऊंगा. उसके बाद है अलका सामल, दीदी आप कहाँ से हो और आप पढ़ाई क्या करते हो. ओके मैं कहाँ से हूँ मैंने बता दिया. बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन भुवनेश्वर, नाउ आई एम स्टेइंग इन कोलकाता बिकॉज माय बाबा गॉट रिटायर्ड और हम लोग जो है पूरा कोलकाता शिफ्ट कर चुके हैं. क्योंकि रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि हमारे सबको ही जो है मम्मा के साइड के सब यहीं हैं. सो ऐसा ही कुछ प्लान था हमारा हमेशा से कि व्हेन माय बाबा गेट्स रिटायर्ड हम लोग सब कोलकाता शिफ्ट कर जाएंगे क्योंकि हम यहीं से हैं. आप क्या पढ़ाई करते हो. आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन लॉन्ग बैक, आई गेस 2012 में आई हैव कम्प्लीटेड. एंड उसके बाद मैंने एक मार्केटिंग का कोर्स करा था एंड हाँ मैंने वहाँ तक ही पढ़ा है. उसके बाद मैं काम पे लगी थी. मूविंग ऑन. अंकिता दास 17, दीदी आपको ओडिया लैंग्वेज आती है क्या, प्लीज़ एक शॉर्ट बनाइए. अंकिता शायद से आप मेरे शॉर्ट्स में भी बहुत बार पूछे हैं ना कि ओडिया लैंग्वेज में बोलने के लिए मुझे आती है कि नहीं. तो हाँ मुझे जानी चाहिए ओडिया लैंग्वेज, बहुत भल भावे जाननी, किंतु मुझे जानती. प्रॉब्लम इज दैट कि मुझे आता बहुत अच्छे से है बट जब भी कैमरा ऑन होता है या ऐसे कुछ वीडियो रिकॉर्ड होते हैं बहुत लंबा मैं बात नहीं कर सकती. एंड दैट इज द मेन रीजन मैं कोई भी रीजनल लैंग्वेज को नहीं पकड़ी, जैसे कि ना ओडिया ना ही बंगाली. इसलिए मैंने हिंदी रखा ताकि सबको समझ में भी आए. बट हाँ मतलब मुझे जानी चाहिए ओडिया लैंग्वेज, मुझे कही पर भी बट इतना लंबा नहीं बोल सकती हूँ. सो इफ यू मीट मी इन पर्सन आई टॉक टू इन ओडिया. वो एक हैबिट हो जाता है कि मेरे फ्रेंड ग्रुप में ना कोई ज्यादा ओडिया है ही नहीं, बल्कि है ही नहीं. तो इसीलिए ना कभी वो ओडिया वाला बातचीत हमारा होता नहीं. हम मेरे फ्रेंड सर्कल में हर कोई नॉन बंगाली और नॉन ओडिया है तो सबको हिंदी में बोलते हैं. दैट्स द ओनली रीजन दैट आई डोंट हैव द गुड फ्लुएंसी कि एक जितना अच्छा मैं हिंदी में वो सोच सकती हूँ, कन्वर्ट कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ, उतना शायद मैं ओडिया में नहीं कर पाऊँ. दैट्स द ओनली रीजन आई. ओके तो आप बहुत दिनों से पूछ रहे थे ना, आई रिमेम्बर. मैं सोच रही थी आपको बोलूँ बट मैं सोच रही थी ऐसे क्यू एंड ए में बोलूँ. भूख खाओ ना, नहीं खाओ. हम बहुत देर तक बात करेंगे, हम लोग बहुत बात करेंगे. आओ आप वहाँ पे खाओ. अच्छा तो वहाँ जाकर खाओ. डाइनिंग में आप लोग ना मोमो गर्म करने में एक बार ट्राई करो तो कैसा है. ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एम के पाठक. हाय दी, लव योर वीडियोस फ्रॉम यूपी प्रयागराज. थैंक यू सो मच, ऑलवेज वेट फॉर योर वीडियोस. इससे ज्यादा कंटेंट क्रिएटर को क्या चाहिए. दिस इज द बेस्टेस्ट कॉम्प्लीमेंट किसी के लिए भी जो भी वीडियोस बनाता है. उनको ये सुनना कितना पसंद है आपको नहीं पता. आपको पूछ के कितना अच्छा लगा पता नहीं, मुझे बता के बहुत अच्छा लगा आपको. और लव यू वीडियोस एंड लव यू टू मच. आई लव यू टू, आई लव यू टू. आर यू अ स्टूडेंट? नो आई एम नॉट अ स्टूडेंट. व्हाट्स योर इनकम, प्लीज आंसर मी. अब देखो इनकम का ऐसा है कि यूट्यूब का ही इनकम है जो भी इनकम है और ऐसा कुछ खास मैं कमाती नहीं हूँ अभी भी. मैं ट्राई कर रही हूँ क्योंकि शॉर्ट्स में इतना ज्यादा अच्छा इनकम नहीं होता है. मैंने हाल ही में ही जो है मैं यूट्यूब को ही प्रायोरिटी दे रही हूँ. आई होप सो ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकूँ और कुछ सालों में. ओके व्हाट्स योर एज? सो आई एम 32 प्लस. व्हाट्स माय एज का क्वेश्चन बहुत मैं देखती हूँ. क्या हुआ माँ? ये मंचूरियन खाओ माँ, अच्छा बनाए. मेरी माँ और मैं, हम लोग को खाने के अलावा कुछ नहीं सोचता. We love food. अगर कोई पूछे आगे से कमेंट में आप लोग जाके बता देना. ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन आई ट्रे श्रीलेश ओझा. हाय प्रिया दी. हेलो सॉरी मैंने आपको इतना खराब बोला. आपने बोला था क्या? क्यों बोला था? हाँ तो कोई बात नहीं यार, अगर आपको रियलाइज हुआ कि आपने कुछ बोला था मुझे खराब, अगर आपको अभी लग रहा है एंड यू आर सॉरी फॉर दैट देन आई एम ओके.
और मेरे को शायद याद भी नहीं आपने क्या बोला था, बट कभी कभी हो जाता है कि कोई इंसान को हम देख रहे हैं और इंस्टेंट हम उसके बारे में कुछ खराब बोल देते हैं क्योंकि हमें पसंद नहीं आता, हम जज कर लेते हैं, और सिर्फ आप नहीं मैं भी करती हूँ। बट अगर आपको मुझे देखते देखते कई दिन हो गए और आपको रियलाइज हुआ कि शायद मैं वो नहीं हूँ जो आपने पहले सोचा था, देन आई एम ओके विद इट यार। माय क्वेश्चन इज, आप कितने सिस और भाई हो? अच्छा, सिबलिंग बोलने से मेरा खुद का बड़ा भाई है, वो कभी वीडियो में नहीं आता इसलिए मैं कभी दिखा नहीं पाती हूँ। ही इज 2 years एल्डर टू मी और ही इज इन LNT झांसीगुड़ा, वो वहाँ पोस्टेड है। अच्छा नहीं, क्वेश्चन है, अरे कम ऑन यार, कितना सारा क्वेश्चन है यार, रैपिड फायर क्वेश्चन, बाप रे, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं रैपिड फायर दूंगी। बट फेवरेट फूड, एनी देसी फूड, इंडियन देसी फूड, आई लव इंडियन देसी फूड, और उसके बाद अगर कुछ अच्छा लगता है देन चाइनीज। मुझे राइस बहुत पसंद है, एनीथिंग लाइक यू मेक एनीथिंग विथ राइस आई लव इट, आई कैन ईट लाइक डे एंड नाइट, और ऐसा एक दिन नहीं है जब मैं राइस नहीं खाती। फेवरेट सॉन्ग, ओके अभी एक तो वो गाना है ना, तू है कहाँ, मुझे पता नहीं, आप सर्च करो अभी वो पाकिस्तानी सिंगर्स जो है वो गाते हैं, ओ गॉड आई जस्ट लव दिस सॉन्ग, पता नहीं मैं इतना वाइब कैसे कर पाती उसके साथ, बट आई लव इट। फेवरेट सॉन्ग बता दे। फेवरेट यूट्यूबर, देखो ऐसा है, खाने में मैं आपको बता सकती हूँ, डूबीज करके है एक, आप चैनल सर्च करना, एक कोरियन है लेडी, वो बना वो करती है, आई जस्ट लव हर, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका कॉन्टेंट, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो भी फूड पे बनाती है, वो देखती हूँ। इंडिया में मैं बहुत सारों को देखती हूँ यार, ऐसा नहीं मैं किसी को नहीं देखती हूँ, मेरा मूड रहता है अगर मुझे कॉमेडी देखना है तो मैं जो सारे कॉमेडियंस का आता है ना स्टैंड अप वो देख लेती हूँ। फेवरेट कलर, माई फेवरेट कलर इज मरून देन ब्लैक, अगर कपड़ों में तो ब्लैक, भाई ब्लैक आई जस्ट लव, कपड़े में ब्लैक, ग्रे, ये सब। ओके फेवरेट कंट्री, मैं इंडिया छोड़ के कहीं कभी गई नहीं बाहर, सो आई विल से इंडिया। अच्छा फेवरेट एक्ट्रेस राइट नाउ इन बॉलीवुड इज आई लव आलिया भट्ट, जो सुमन कुमारी, बस यू एज आई टोल्ड यू 32+। वेट मैं खाना, एक इम्पोर्टेंट सो भाला हूँ, इनका मंचूरियन अच्छा है, गार्लिक एकदम झट से डाला मेरे नाक में। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ वैसे एज मैंने बता दिया, गुल शाहिद 465। सो सबसे पहले मैं गुल शाहिद को गुल शाहिद जी को बोल देती हूँ कि आपका मैसेज मैं हमेशा देखती हूँ, एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरा सारा वीडियोस देखती है, मैंने बहुत बार आपको आपके कमेंट्स को देखा, आपके कमेंट देखा हुआ, मैं पर्सनली कभी ऐसे आके आपको थैंक यू नहीं बोली, थैंक यू सो मच। चलो क्वेश्चन ले लेती यार, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम यूपी प्रयागरंज, आपने पहले, अच्छा दूसरा था, आई एम ए बिग फैन, ओ गॉड ये बड़ा सा नाम है, बिग फैन, थैंक यू सो मच, अगर आप मेरे वीडियोज पसंद करते हैं, आप मेरा कॉन्टेंट पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच। आप स्टूडेंट हो क्या, जॉब करते हो, आपकी एज क्या है, प्लीज मेरा नाम वीडियो में लेना, मुझे आपकी सारी वीडियो का इंतजार रहता है और मुझे आपकी कमेंट का इंतजार रहता है। अच्छा तो मैं बता दूँ, आप स्टूडेंट हो कि नहीं, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैंने पहले भी आंसर करा हूँ, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, और मेरा एज क्या है वो भी मैंने पहले वाले में बता दिया, फिर भी 32+ है मेरा एज। ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरभि गुप्ता 5479, Hi Priya, really loving your videos. I am also from West Bengal. I really hope to meet you one day. I really hope so कि हम मिल सके। ऐसा मैं कभी करती हूँ कि चलो कहीं पे ऐसा मीटअप करते हैं और फिर मिलते हैं, मुझे पर्सनली आप लोग को मिलके भी बहुत अच्छा लगेगा। देखो मैं तो शायद से आप लोग का चेहरा नहीं जानती, बट मैं भी यहीं पे हूँ, मैं अगर कहीं जाती हूँ एंड अगर दिख जाती हूँ कहीं पे तो प्लीज़ आके मिल लेना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं जब भी ऐसे बाहर जाती हूँ और मैं मिलती हूँ किसी से, मुझे कितना अच्छा लगता है आपको नहीं मालूम, आपको जितना नहीं अच्छा लगता है ना मुझे उससे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आप मेरे बारे में तो जानते हो, मुझे देखते हो, मैं आप लोगों को कभी नहीं देख पाती, तो कोई अगर मेरा वीडियो देख रहा होता ना तो मुझे भी अच्छा लगता है इन पर्सन उनसे मिलने के लिए। आई रियली होप कि मैं भी आपसे एक दिन मिलूं, और हाँ फिर बहुत बातें करेंगे जरूर, कहीं पर बैठ के अच्छा खासा खाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजर QJ1ZV5LR2G, ओके यार नाम लिख दिया करो यार, यू आर प्लानिंग फॉर योर मैरिज नाउ और नॉट, नाउ नॉट
गीता डैश गीता आपने पहले किया था गीता, और मैं गुलाकर हूँ सच्ची में, लव यू वीडियोस दी, डू यू लाइक ओडिशा वेस्ट बंगाल मोर, आई एम फ्रॉम बोथ दी स्टेट्स, फ्रॉम वेस्ट बंगाल फ्रॉम ओडिशा, मैं किसी को भी कभी भी अपने लाइफ में चूज ऐसे नहीं कर सकती, दोनों ही जगह मेरे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, कोई वेस्ट बंगाल को खराब बोलेगा तभी मुझे नहीं अच्छा लगेगा, कोई उड़ीसा को खराब बोलेगा तभी मुझे नहीं अच्छा लगेगा। सिमरन अंसारी 3860, व्हाट इज द मोस्ट ट्रेजर्ड थिंग यू हैव एवर एक्सपीरियंस्ड? ओके, मैं यूट्यूब रिलेटेड ही बोल रही हूँ क्योंकि लाइफ में ट्रेजर थिंग बहुत सारे होते हैं, मेरे लिए तो एक नहीं है, मेरे लिए हैं काफी सारे, बट द डे आई पोस्टेड माई फर्स्ट वीडियो तब मुझे पता नहीं था कि मुझे लोग जानेंगे भी या नहीं, मेरा कभी भी कोई वीडियो वायरल होगा भी या नहीं, मुझे पता नहीं था, बट द थिंग कि वो एक डे था जिस दिन मैंने करा मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड सेकेंड जिस दिन मेरा फर्स्ट एक शॉट जो है वायरल हुआ था उसके बाद मतलब मैंने जो है खाने वाला वीडियो जो है पोस्ट करना शुरू किया, और एक दिन हाँ जिस दिन पेमेंट आया जिस दिन पहला पेमेंट आया कि मैं बता सके घर पे कि इससे पैसे आते हैं। नेक्स्ट इज आकांक्षा वर्मा 968, आप लोग ओडिशा से कलकत्ता क्यों शिफ्ट हुए और पहले ओडिशा में क्यों थे? आई थिंक दोनों क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया। सर UE1IX9LI8M, नाम लिखो। सो हु इज इन योर फैमिली? माँ बाबा मैं और भैया। अब मैं क्यों हंस रही हूँ मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम तानिया दास 27, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, इसलिए मुझे हंसी आता, मुझे पता था मैं जैसे क्यों नहीं डालूंगी ना ये पहला क्वेश्चन करने वाली, जैसे कि मुझे इन पर्सन वो कर ही नहीं सकती है। व्हाई यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग तानिया, इवन जस्ट सिंपली कॉल मी एंड आस्क मी ऑल दिस क्वेश्चन, बट नहीं। तो क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं बता दूं, शी वॉज द फर्स्ट पर्सन जब मैंने वीडियो सोचा, और मैं एक दिन ऐसे बैठी हुई थी एंड मुझे ऐसा लगा कि अरे मैं भी ब्लॉग बना सकती हूँ, मैं भी वीडियो बना सकती हूँ, और शी इज द ओनली पर्सन जहाँ पे मैं अगर कोई बेवकूफ़ वाला भी सोचू ना तो आई कैन जस्ट कॉल हर एंड आई कैन टेल हर कि मैंने ये सोचा है, मैं ना ऐसा कर सकती हूँ करके, एंड शी से रियली, एंड वन थिंग अबाउट तानिया, तानिया ऑल्सो नोज शी इज वेरी सपोर्टिव, वट एवर प्रोफेशन यू चूज, अगर मैं डम से डम भी बात करूँगी ना तो भी बोलेगी हाँ हाँ तू कर सकती है, बट ऐसा भी नहीं कि वो एकदम आंख बंद करके बोलेगी कि हाँ तू कर सकती है, बट इफ शी विल सी अ 1% ऑफ पोटेंशियल इन यू शी विल से कि हाँ तू कर, एंड मैंने उसको और फिर सोचो फर्स्ट वीडियो तुम किसी को मतलब वीडियो अपना करके अपनी बेस्टी को भेजोगे तो कितना तुमको हंसी आया होगा, मुझे तो बहुत आया था, एंड आई हैव सेंड इट टू तानिया, एंड मुझे लगा था क्या ही बोलेगी, मैं बोली देख रहा मैंने ऐसे करा करके, एंड वो सेंड मैं तो की, मैं खुद बहुत हंसी, बट शी वॉज सो सपोर्टिव, एंड छोड़ो दैट इज मतलब शी इज द ओनली रीजन कि मुझे लगा कि मतलब जब मैंने उसको भेजा एंड वो देखी और उसके बाद वो हंसी नहीं, एंड शी सेड कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि दिस इज योर फर्स्ट वीडियो, एंड आई थिंक दैट यू आर वेरी गुड एट इट एंड यू शुड स्टार्ट योर चैनल, यू कैन डू एनीथिंग, एंड उसके बाद फिगर आउट कर लेना किस चीज में तू कर सकती है और आगे बढ़ना करके, एंड उसके बारे में इंट्रो जरूरी था तो मैंने बता दिया। इफ समवन रोट अ बुक अबाउट यू व्हाट वुड इट बी कॉल्ड? आई डोंट नो, तू ही डिसाइड कर लेना। मैंने ये सोचा नहीं है तानिया कोई मेरे बारे में कुछ लिखेगा, क्योंकि मैं नहीं सोच, मैं अभी तक मैं अपने आप को वो प्लेस में ही नहीं रखी हूँ कि मैं सोचूं कि मेरे बारे में कोई बुक भी लिख सकता है। इफ अ सॉन्ग प्लेड एवरी टाइम यू एंटर्ड अ रूम व्हाट वुड इट बी? मुझे पता था ये सभी क्वेश्चन करेगी। सो रिसेंटली मैंने कहा कि तुम हो कहाँ करके मुझे गाना बहुत पसंद है। प्ले वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years? तो वेयर डू आई सी माई सेल्फ? आई से कि मुझे बहुत कुछ अभी यूट्यूब में करना है, कॉन्टेंट्स को लेके करना है, अपने फूड को लेके करना है, मतलब मैं खाना बनाना बहुत पहले से ही जानती थी, मतलब खास करके बंगाली खाना बनाना मैं बहुत पहले से जानती थी, बट कभी सोचा नहीं था कि ऐसे प्लेटफॉर्म में लाऊंगी, तो अभी तो मैं वो कर रही हूँ, बट आगे चल के मुझे हमेशा से मन है कि सिर्फ बंगाली नहीं, मुझे बहुत सारा जो दुनिया में खाना है, मुझे जगह जगह ट्रैवल करना है, उनका खाना जानना है, उनका खाना उन्हीं के साथ बैठ के बनाना है, सीखना है, क्या मैं बताऊँ, मैं दूसरे सिटीज कंट्रीज ट्रैवल करके जो है उनका खाना बनाना सीखना चाहती हूँ, खाना चाहती हूँ। सो या दिस इज माई प्लान। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हेन आर वी मीटिंग? हमें भी नहीं पता, देखते इस साल में अगर होता है तो ठीक, फिंगर्स क्रॉस्ड, तू ही प्लान कर ले कुछ। उसके बाद बुशरा अंसारी 139,
I want to ask you, Priya, that from where do you complete your degree? Bhubaneswar. I've completed my degree. Like, I've done my graduation from Bhubaneswar. And in next 3 years, where do you see yourself? I just answered this question. Tanya ne pucha tha. So, main wahi karna chahti hu. I want to be a very... मतलब ऐसा नहीं कि बस मैं फूड ब्लॉगर बनना चाहती हूँ, मैं से अच्छी वाली, मतलब लाइक मैं कुछ अच्छा दे सकूँ सबको. कहूँ सबसे पहले आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम इंडिया के सारे शहरों में जा जा के उनका खाना खाऊं. और यही मेरा अभी के लिए मेरा 2-3 साल जो है मैं यही करना चाहती हूँ. बट मैं कर इसलिए नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास उतना बैंडविड्थ नहीं है कि मैं जाऊँ बाहर. क्योंकि बाहर जाओ, सिटीज ट्रैवल करो, तो आपको एक होता है ना, आपको टीम चाहिए होता है कि कोई कैमरा पकड़ ले, कोई अपना साउंड चेक करे. वरना अगर मैं अच्छा क्वालिटी दिखाई नहीं पाऊंगी तो आपको भी इतना अच्छा नहीं लगेगा, आप मेरा वीडियोज देखोगे नहीं. तो वो एक है. हाँ, बट देखो शॉर्ट्स मैं डालते डालते बहुत लोग मुझे शॉर्ट्स में पहचानते हैं, बट बहुत कम लोग शायद से ही जानते हैं कि यार देखते हैं कि मैं लॉन्ग फॉर्म भी बहुत बनाती हूँ, जहाँ पे मैं खुद खाना अच्छे से बना के आई डू ए कुकबंग वीडियो. कुकबंग का आइडिया मेरा, मैं बहुत कोरियन ऐसा वीडियोज देखती थी, वहीं से आया. तो वहाँ से आया. सो मैं लॉन्ग फॉर्म में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की कोशिश कर रही हूँ. मैं कर रही हूँ कि वीकली मैं 3 जो वीडियो है पोस्ट कर सकूँ. सो यही मेरा रहेगा कि आप लोग प्लीज़ मेरे लॉन्ग फॉर्म को भी उतना ही प्यार देना, ताकि मैं उसमें ग्रो भी कर सकूँ. और ऐसे ही मैं पूरा इंडिया घूम के जो है एक बहुत अच्छा फूड ब्लॉगिंग कर सकूँ, मतलब दिखा सकूँ दूसरे का खाना. यही मैंने अभी तक तो सोचा है, नॉट कम्प्लीटेड हियर. एंड आफ्टर कमिंग ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म, आई मीन हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव मेट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिल नाउ? बाय द वे, लव योर वीडियोज. थैंक यू सो मच फॉर लविंग माई वीडियोज. एंड मैंने आपका भी कमेंट बहुत बार देखा है. एंड थैंक यू सो मच, आप मेरा सब सारा वीडियोज देखते हो, आपको पसंद आता है. आई नो आप लोग शायद से लॉन्ग फॉर्म भी देखते हो, और अगर कोई आसपास में नहीं देखता तो प्लीज उन्हें बताओ कि मेरा लॉन्ग फॉर्म भी है. मैं सोशल मीडिया में आने के बाद ऐसा हो जाता है ना, सोशल मीडिया का यही एक चीज है कि बहुत लोग शायद से सोशल मीडिया में मतलब है, लेकिन इन पर्सन मिलना नहीं होता. अगर कहीं पे यूट्यूब का कोई इवेंट है तुम जाते हो तो मिल सकते हो. टिल डेट अगर आप बोलो कोई सोशल मीडिया से मेरे कोई दोस्त है कि नहीं, बने या नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली नो, मेरा कभी मिलना नहीं हुआ. कोई ऐसा खास कोलैबोरेशन भी नहीं हुआ है किसी से. बट हाँ, बट मैं करना जरूर चाहूंगी, मतलब मैं सही में मिलना चाहूंगी उन लोगों से, उन लोगों का कॉन्टेंट देखना चाहूंगी, उन लोग कैसे करते हैं देखना चाहूंगी, सीखना चाहूंगी. मैं बात करना इतना अच्छा लग रहा है, मैं खाना भूल जा रही हूँ, देख रहे हो? ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज महक खान 2751. हाय हाय महक, हाय हाय, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान. मैं आपकी सारी वीडियोज देखती हूँ, आपके और हमारे खाने काफी सिमिलर होते हैं, लाइक चिकन और आलू का सालन वगैरह. मुझे बहुत खुशी होती है, मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने कहा ना आप लोगों से ज़्यादा मुझे खुशी होती है जब आपको एक मेरा खाना या डिश देख के आपको लगता है कि आपके जैसे बना है या आपके घर में ऐसा बनता है, आपको ये खा के बहुत पसंद आया. आप यकीन मानो या मुझे बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच आप पाकिस्तान से मुझे देखते, कितने सारे लोग मुझे पाकिस्तान से देखते, मुझे तो बड़ा मजा आता है. थैंक यू सो मच जो भी मुझे पाकिस्तान से आप देखते हो, इतना सारा प्यार देते हो. मैं ना रिसेंटली जो है नली निहारी बनाना चाहती हूँ. और मसाले के लिए पता है, मुझे इसके मसाले मेरे घर के पास नहीं मिल रहे थे, तो मैंने कहा करा ना वहाँ पे जो मटन का एक शॉप है, वो भैया को मैंने पूछा कि आपके यहाँ तो नली निहारी बनता होगा ना, तो उन्होंने कहा कि हाँ बनता है, तो मैंने आप मसाले ला दोगे? तो कहाँ मिलता है, मैंने पूछा कहाँ मिलता है. इट्स वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने कहा कि मैं ले आता हूँ. मैडम आपको खाना है क्या? मैं बोली हाँ, तो मतलब मसाले ले आऊंगा, फोन कर देना. सो वेरी सून आई एम गोना कुक नली निहारी. पता नहीं कैसे बनाऊंगी. मैंने रणवीर ब्रार जी का जो है एपिक चैनल पे नली बिहारी बहुत बिहारी नली निहारी बहुत बार बनाते हुए देखा है. तो नेक्स्ट इज स्वाति कुमारी. हाय प्रिया, आई वांट टू नो व्हाट आर यू डूइंग बाय प्रोफेशन, इफ यू ओके प्लीज शेयर विद अस. हाँ, आई एम ओके विद इट यार, ऐसे कुछ नहीं. जॉब प्रोफेशन इन द सेंस, नाउ माई प्रोफेशन इज यूट्यूब, यू कैन से दैट. क्योंकि अगर मुझे अभी कोई पूछेगा तो आई विल डेफिनेटली से मैं कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ. और इससे पहले मैं एक जॉब में ही थी, एंड आई थिंक आई वर्क देयर फॉर 7 years, लॉन्ग 7 years. तो स्वाति कुमारी, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन कि हाँ, बाय प्रोफेशन नाउ आई एम ए यूट्यूबर. अभी और मैं कुछ नहीं करती, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ध्यान दे रही हूँ. क्या संध्या दास जी ने पूछा है, व्हाट्स योर जॉब? मैंने अभी अभी बता दिया. सो योगी
योगी था एसएस, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्ट, अगर नहीं किया तो सॉरी. व्हाट आर योर क्वालिफिकेशन एंड व्हाट डू यू वर्क? सो माय क्वालिफिकेशन दैट आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, देन आई स्टार्टेड डूइंग अ जॉब एंड मैं एक इवेंट कंपनी में थी फॉर 7 to 8 years. ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. ओके, नाम तो नहीं दिखा रहा. अगेन यूजर II3UO8JJ70. अच्छा, हर्षा. ओ हर्षा, ओ हाय हाय प्रिया दी, माय नेम इज हर्षा. हेलो हर्षा, माय क्वेश्चन आर, व्हाट्स योर जॉब? आई हैव जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन. व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड? व्हाट कीप्स मी मोटिवेटेड? भाई मैं अपनी खुद की मोटिवेशन हूँ, मुझे ऐसा कोई चीज या पर्सन मुझे कोई मोटिवेशन नहीं देता है. दिस कुकिंग गिव्स मी हैप्पीनेस. ये मुझे पहले इतना ज्यादा नहीं पता था, बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि कुछ भी होता है तो आई गो फॉर कुकिंग. एंड बस मुझे अच्छा लगता है अभी खाना बनाना, वीडियोस बनाना. एंड या मैं अपने आप की मोटिवेशन हूँ. एज आई सी अ लॉट ऑफ हेट कमेंट्स. देखो अभी हेट कमेंट्स का ऐसा है ना कि मैं कुछ भी कर लूँ लाइफ में, हेट कमेंट्स का क्या है, मैं रोक नहीं सकती. जिसको जो खराब बोलना है वो बोलेगा. तो पहले ना जब मेरा वीडियो वायरल गया एंड फिर आई वॉज नॉट यूज टू दिस काइंड ऑफ कमेंट्स. वेरी ट्रू की कमेंट जो है कभी कभी तुम्हें हिट करता है एंड क्वाइट नेचुरल, किसी को भी करेगा. बट लेटर ऑन थोड़े टाइम के बाद एक टाइम पे ऐसा था कि अरे मतलब तो कोई फ्रस्ट्रेटेड है तभी लिख रहा है. बट देन आई चैनल्ड माई वो गुस्सा टू लाइक मेकिंग मोर वीडियोज एंड मैं आप लोग को और ज्यादा वीडियोज बनाने लग गई और ज्यादा पोस्ट करने लग गई. और जब भी नेगेटिव कमेंट आता है मुझे बहुत खराब लगता था, जस्ट डिलीट इट बिकॉज नाउ उसकी जगह मेरे कमेंट बॉक्स में है ना मेरे लाइफ में है, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता. सो मैं वैसे दिमाग सेटअप कर चुकी हूँ, सो मुझे सही में कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई अच्छा क्रिटिसाइज इन अ गुड वे, आई टेक इट कि हाँ ठीक है शायद मुझसे ये कुछ गलती हो गया. और हो भी सकता है यार, मैं कौन सी बढ़िया है, कुछ हो ही सकता है गलती. तो उसमें आई टेक दैट कमेंट वेरी पॉजिटिवली. और नहीं तो अगर कोई मुझे फालतू का कुछ बोला है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. बट फेवरेट फूड इंडियन कुजीन ही मुझे ज्यादा पसंद है. लव यू दी, आई लव यू टू, आई लव यू टू हर्षा. हर्षा का मैसेज बहुत बार आता रहता है एंड आई एम वेरी मच ग्लैड दैट यू हैव आस्क्ड मी सो मेनी क्वेश्चन. आई थिंक किसी का क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है. अगर छोड़ भी दिया है तो अभी बता दे रही हूँ. मैं 2-4 बार घुमा चुकी हूँ इस बीच में, मुझे लगा नहीं कि मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा है. बट अगर फिर भी छूट गया, मुझसे गलती से भी छूट गया है, तो आप मुझे फिर से कमेंट करो. मैं आपको या तो कोई शॉर्ट में उसका आंसर दे दूंगी या फिर मैं यहीं पे आपको बता दूंगी. मैंने इंटेंशनली कुछ भी नहीं छोड़ा, तो जहां तक मैं बता सकती थी वहां तक मैंने बता दिया. ये वीडियो जरूर लंबा हो चुका होगा, बट देख लेना यार. लंबा इसलिए हुआ क्योंकि सारे क्वेश्चन का आंसर ऐसे वन वर्ड आंसर्स नहीं होते हैं कि मैं दे सकूं. आई एम वेरी ग्लैड दैट कि मैं अपने आप को इस जगह पे भी डाले कि आप चाहते हो मेरे बारे में ज्यादा जानना और बताना भी मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने इससे पहले Q&A नहीं किया, बट अगर इतना मजा आता है Q&A करते हुए तो आई विल डू दिस ऑफन. एंड मैं लाइव भी आना चाहती हूँ, बट अभी नहीं आऊंगी. मेरे पास ऐसे ना खास ऐसे जगह नहीं कि यहाँ बैठूँ, खाऊ पीऊँ, आपसे लाइव में बात करूँ. बट टच वुड वो भी किसी दिन होगा. किसी दिन ये भी होगा कि मैं बहुत सारा शहर घूम रही हूँ, खा रही हूँ और आप लोगों से मिल रही हूँ वो शहरों में, तो भी मुझे बहुत मज़ा आएगा. एंड आई होप कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा और आपको जो जो जानना था मेरे बारे में, जो मैंने कभी नहीं सामने से आके बोला, वो आपको अच्छा लगा. सो हाँ, सो सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैप्पी ईटिंग, हैप्पी कुकिंग, हैप्पी डूइंग वॉट एवर यू डू इन योर वर्ल्ड. बस खुश रहो और मेरा वीडियो देखते रहो. और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, आपके आसपास कर लेके कर दो. बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि ना वीडियो आएगा. सब शॉर्ट में जाके देखते हैं और उसके बाद वो सब्सक्राइब नहीं करते, बेल आइकन नहीं प्रेस करते, तो सारा वीडियोस नहीं जाता. एंड आई रियली 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 वर्क हार्ड फॉर लॉन्ग वीडियोस, डू चेक आउट देम. वो उतने बुरे भी नहीं होते जितने मेरे शॉर्ट्स में आपको पसंद आता है. मैं कुछ बनाती हूँ उसी का ही लॉन्ग फॉर्म है. सो हाँ, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.